शिवानी कुमारी बिग बॉस के घर से बाहर निकलते ही बोली बिग बॉस बेकार है। क्यों बोली है भाई ऐसा, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। हेलो गाइस नमस्कार, आप सब लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि शिवानी कुमारी जैसे ही बिग बॉस के घर से बाहर आती हैं, वो आते ही बोलती हैं कि बिग बॉस बेकार है, खराब है, ऐसा क्यों बोला है। दरअसल में कल गोरेलाल उनका मोबाइल लेकर के पहुंचे हैं कानपुर। अभिषेक का फ़ोन आया होगा, अभिषेक कानपुर से बम्बई पहले ही पहुंचे हैं, उनका जो ब्लॉगिंग वाला मोबाइल था उसको लेके कैमरा वगैरह सब कुछ लेके पहुंच गए। तो वहां जाके क्योंकि इन लोगों को पहले ही से अंदाज़ा हो गया था कि बिग बॉस के घर से कभी भी खबर आ सकती है, क्योंकि जो बोटिंग हुई थी और वो जो बोटिंग हुई है वो कुछ अलग तरीके से कराएगी, और शिवानी को जो बाहर निकाला गया वो भी एक अलग तरीका था। तो मैं बताऊँगा जो रीज़न है कि शिवानी कुमारी ने बिग बॉस को बाहर आते ही क्यों कहा कि बिग बॉस बेकार है, क्योंकि जो बाहर की जो बोटिंग हुआ करती थी उससे अब की बार कोई भी मायने नहीं रखा गया है, और जो घर के अंदर की बोटिंग थी उसके अनुसार शिवानी कुमारी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। क्योंकि शिवानी कुमारी ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है और बहुत ही संघर्ष किया है। लगभग 35 दिन शिवानी कुमारी ने बिग बॉस के घर में बिताए हैं, इसका एक्सपीरियंस तो रहा ही है होगा उनका, और बनेगा आगे जाके भी, वो लाभ लेंगे वीडियो में और उनके वीडियो भी चलेंगे। अभी हमने एक वीडियो उनका देखा है जो पहला वीडियो आया हुआ है, तो उसमें भी जो 3 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया गया वो लगभग जब हम देख रहे थे तब 7.5 लाख से ज़्यादा व्यूज आ चुके थे और लगभग में 86,000 से ज़्यादा लाइक थे और कमेंट का तो भरमार पड़ा हुआ था। तो इस सब का तो शिवानी कुमारी को लाभ मिल ही रहा है। दरअसल में क्या हुआ है कि जब बाहर से बोटिंग जो होती है, बोटिंग जो खोली जाती है, उस बोटिंग के अनुसार ही बाहर और अंदर रखे जाते हैं। तो शिवानी कुमारी को जो बाहर किया गया है वो अंदर की बोटिंग के अनुसार बाहर किया गया है, जो अंदर के खिलाड़ी थे उनकी जो बोटिंग हुई है उसके अनुसार बाहर किया गया है। तो हमको यही लगता है कि शिवानी कुमारी ने इसीलिए कह दिया है कि बिग बॉस बेकार है। तो चलिएगा आप लोग कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आखिर में शिवानी कुमारी के साथ क्या हुआ, क्या नहीं, क्या सही और क्या गलत हुआ है। और बहुत सारे लोगों में हमने कई वीडियोस देखे हैं, शिवानी कुमारी को जब से बाहर किया गया है तब से बहुत से लोगों ने जियो जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, जियो सिनेमा वाला जो जहाँ पर बिग बॉस देखते हैं। तो चलिएगा आप लोगों भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो